संभल में आईपीएल मैच पर सट्टे का कारोबार करने वाले लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जनपद संभल के कोतवाली चंदोशी क्षेत्र के ब्रह्मा बाजार में पुलिस ने मकान पर छापेमारी की तो पुलिस को आईपीएल मैच का सट्टे का अवैध कारोबार करते चंदोशी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी से पता चला कि आरोपी चंदोशी नगरपालिका से सपा पार्टी से वार्ड नंबर 9 का मेंबर है। आरोपी पप्पू वार्ष्णेय और उसके 2 साथियों को पुलिस ने आईपीएल का सट्टा करते रंगे हाथों पकड़ा तो मौके से पुलिस को 1,00,000 रुपए, 6 मोबाइल फोन, 1 टीवी बरामद हुआ। जब पुलिस ने आरोपी की पुरानी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि आरोपी पप्पू वार्ष्णेय उर्फ पप्पू पागल पूर्व में हर चुनाव में बूथ कैप्चरिंग कर चुका है। नवबारा समाचार संभल उत्तर प्रदेश से मुबारक अली। क्या मामला है सर, जरा बता। दिनांक 5/10/20 को प्रभारी निरीक्षक चंदौसी को सूचना मिली कि लोग भारत सही ब्रह्म बाजार में जुए का सट्टा खिलवा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर इन्होंने अपनी टीम स्वयं ये गए। वहाँ पे जाके जब मुखबिर सूचना मिलने के बाद स्थान पे गए तो वहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम विमल कुमार पप्पू है वो सट्टा खिलवा रहा था। उसके साथ वहाँ पे हितेश और कपिल दो और मौजूद थे जिनको पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया है। और उस समय जब उनकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 1,00,000 रुपया, LED, एक कैलकुलेटर, एक अदद सेटअप बॉक्स, एडाप्टर, रजिस्टर और पेन बरामद हुआ है। जब इसके बारे में जानकारी की गई कि इसके ऊपर पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है, चंदौसी थाना में ही इसका आपराधिक इतिहास था। इसका ये 2 बार बूथ कैप्चरिंग में भी ये पकड़ा गया है और इस समय वर्तमान में ये सभासद है और पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। हाँ, ये आईपीएल मैच के सट्टे।